तो दोस्तों इस लेसन में एक और बड़े इम्पॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में जो है वो हम बात करने जा रहे हैं और इन ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम है सॉल बैस सॉल बैस जो हैं ये अमेरिका के अंदर पैदा हुए और ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इनके हवाले से ये है कि ये एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हैं यानी कि इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइन के अलावा फिल्म मेकिंग के अंदर भी काम किया सॉल बैस की जो एक बहुत ही इम्तियाजी हैसियत है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर वो एक तो लोगो और कॉरपोरेट डिज़ाइन के हवाले से है उसके अलावा जो एक नई चीज़ इन्होंने इनिशिएट की जो कि इनसे पहले इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी वो है मूवी पोस्टर्स और मूवी टाइटल्स को डिज़ाइन करना ये जो एक चीज़ है ये सॉल बैस को इसका सहरा जाता है कि इन्होंने मूवीज़ के लिए पोस्टर्स जो है वो हॉलीवुड के अंदर डिज़ाइन करने शुरू किए और इतने ज़बरदस्त पोस्टर्स इतने आइकॉनिक पोस्टर्स डिज़ाइन किए कि इनके बाद फिर एक ट्रेंड पैदा हो गया और आज भी जो कि हम देखते हैं कि हॉलीवुड जैसी बड़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज और भी दुनिया में जो बड़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मूवीज़ की एडवर्टीज़मेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पोस्टर्स जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं अच्छा जी आ, कुछ बात कर लें अगर अर्ली आ, लाइफ के हवाले से सॉल बैस की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका में पैदा हुए न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और इन्होंने जो अपनी दूसरी एजुकेशन के अलावा इन्होंने जो आर्ट एजुकेशन है वो आर्ट स्टूडेंट्स लीग के नाम से एक इंस्टीट्यूट है मैनहट्टन में वहाँ से इन्होंने आर्ट के हवाले से जो है कुछ तरबियत हासिल की ट्रेनिंग हासिल की और इसके बाद इन्होंने जो है वो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर जो है काम करना शुरू कर दिया अच्छा कुछ बहुत ही आइकॉनिक लोगोज़ हैं जो कि आज भी अपनी असल हालत में उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से उनको सॉल ब्यास ने डिज़ाइन किया था डे वन पे और बहुत बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स के लोगों सॉलबैस ने डिज़ाइन किए जिनमें कुछ लोगो जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बेल्ट टेलीफोन का एक लोगो है ये सॉल ब्यास ने डिज़ाइन किया इसके अलावा ए के नाम से ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा ब्रांड है अमेरिकन ब्रांड है इसका भी जो लोगो है ये भी सॉल ब्यास का डिज़ाइन है इसके अलावा जनाब अली और बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनमें यूनाइटेड एयरलाइन सॉरी यूनाइटेड एयरलाइन जो है ये है इसका डिज़ाइन लोगों का ये भी सॉल बैस का है फिर इसके अलावा क्वैकर और ये क्लिनिक के नाम से ये जो लोगोज़ हैं ये तमाम के तमाम बड़े ब्रांड्स के लोगोज़ ये जो हैं ये सॉल बैस के डिज़ाइन किए हुए हैं अच्छा सॉल बैस के जो लोगो और कॉरपोरेट आइडेंटिटी के हवाले से डिज़ाइन हैं इनकी एक बहुत ही खास बात यह है के कहा यह जाता है एक मोहतात रिसर्च के मुताबिक के सॉल बैस वो ग्राफिक डिजाइनर है हिस्ट्री का जिसके बनाए हुए लोगोस की जो एक एवरेज एज है वो मोर देन थर्टी इयर्स है यानी के तीस साल के अरसे गुजर जाने के बाद भी सॉल बैस का डिज़ाइन किया हुआ लोगो अपनी उसी हालत में उसी तरह से आज भी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं जिस तरह से उन्होंने उस वक्त जो है वो उनको डिजाइन किया था तो ये एक बहुत ही खास ख़ास बात है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से इनकी और जैसा कि आपने देखा भी कि कितने खूबसूरत सिम्प्लीफाइड और इफ़ेक्टिव लोगोज जो हैं वो इन्होंने डिज़ाइन किए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सॉल सॉलब्यास ने अच्छा जी 1940 के अंदर सॉल जो जो है इन्होंने माइग्रेशन की कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया सिटी की तरफ और वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट लिया मूवी पोस्टर्स का और टाइटल डिज़ाइन का Uh, यहाँ पे हॉलीवुड uh, के कुछ बहुत बड़े नाम uh, जैसे कि एल्फर्ड हिचकॉक और इसके अलावा और बहुत सारे uh, बड़े uh, फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके लिए इन्होंने मूवी पोस्टर्स डिज़ाइन करने शुरू किए जो पहला मूवी पोस्टर इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ वो ये एक मूवी थी द मैन विद द गोल्डन आर्म इसका ये जो एक पोस्टर ये आप देख सकते हैं ये इनका एक पहला आइकॉनिक मूवी पोस्टर था जिसके बाद इनको मूवी पोस्टर्स के हवाले से एक ख़ास रुतबा हासिल हो गया अमेरिका के अंदर और उसके बाद एक लाइन लग गई सॉल ब्यास के पीछे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की हॉलीवुड में जिन्होंने जो चाहते थे कि सॉल ब्यास जो है वो उनकी मूवीज़ की एडवर्टाइजमेंट्स और पोस्टर्स को डिज़ाइन करें इसके अलावा मूवी टाइटल्स सॉल ब्यास से पहले किसी ने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किए हुए थे सॉल ब्यास ने पहली बार पोस्टर्स के अलावा टाइटल्स को भी जो है वो मूवीज़ के लिए प्रॉपरली डिज़ाइन करना शुरू किया कुछ और फेमस मूवी पोस्टर्स जो कि कुछ और मूवीज़ के जो फेमस पोस्टर्स डिजाइन की सॉल बैस में उसमें ये साइको मूवी एल्फर्ट हिचको की बहुत फेमस मूवी है ये एक क्लासिक में कंसिडर होती है इसका ये जो पोस्टर है ये भी अगर आप देखें तो ये भी सॉल बैस का डिजाइन है इसके अलावा एडवाइस एंड कंसेंट के नाम से ये जो एक मूवी है बहुत फेमस इसका भी पोस्टर जो है ये भी सॉल बैस का डिजाइन है आ, कुछ और पोस्टर्स अगर हम देखें मूवीज के तो एनाटमी ऑफ अ मर्डरर ये भी जो एक पोस्टर है ये भी सॉल बैस का डिजाइन है और वर्टिगो के नाम से ये जो एक बहुत फेमस मूवी पोस्टर है ये भी सॉल बैस का डिज़ाइन किया हुआ पोस्टर है एक ख़ास बात जो आपने इन तमाम पोस्टर्स के अंदर नोट की होगी वो ये है कि सॉल बैस के अगर ग्राफिक डिज़ाइन के स्टाइल को हम फॉलो करें तो ये एक तो मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ डिज़ाइन करते थे यानी कि ये मिनिमलिज्म को फॉलो करते थे और बहुत कम इमेजेस के साथ कम एलस्ट्रेशन और कम विजुअल्स के साथ ये ज़्यादा बात कन्वे करने को पसंद करते थे और इनका जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है मैसेज कन्वे करने का जैसा कि हमने इनके लोगोज़ में और इनके मूवी पोस्टर्स में भी देखा उसके अलावा ये एक और जो चीज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वो इन्होंने फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल किया जैसा कि आपने अभी मूवी पोस्टर्स में देखा भी है कि ये फ्लैट कलर्स को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते थे अपने पोस्टर्स वग़ैरह के अंदर तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी सॉल सॉलब्यास के हवाले से जो कि हिमसेल्फ एक बहुत ही आइकॉनिक ग्राफिक डिज़ाइनर गुजरे हैं ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में तो ये कुछ जो मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से बताया कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइनर्स के हवाले से अब आप लोगों ने ख़ुद से भी इनके अलावा भी इन पर भी रिसर्च करें और इनके अलावा भी कुछ और आइकॉनिक आर्ट डायरेक्टर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं उनको ख़ुद से सर्च करें ढूंढें उनके बारे में और उनके काम के स्टाइल के हवाले से देखें ये देखें कि क्या नई चीज़ों ने नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आगे चल के अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में खास तौर पर ना सिर्फ डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में बल्कि इस तरह से आपको हेल्प हासिल होगी अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल प्रोड्यूस करने में ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के अंदर आप अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल बना सकते हैं जब आप देखते हैं इंस्पिरेशन हासिल करते हैं जो मास्टर्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के उनसे तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर आई होप कि आपको जो है ये लेसन बहुत पसंद आया होगा इन शी नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई और बात जो है उस पर डिस्कशन करेंगे